I tell you, I'm very Yeah. strong, but seeing my parents like this and my brother, we are helpless right now. कि उसकी दोस्ती में वो एकदम अंधा रहना चाहता है या उसकी दोस्ती में वो आंख खुला रख के खेलना चाहता है। तो अरमान को स्टैंड लेना चाहिए था अपनी वाइफ के लिए। क्यों आप लोग बड़े थे तो आप लोग उसको ये कंसोल नहीं कर सकते थे, छोड़ बेटा तूने जो बोला होगा आइंदा ध्यान रखना। फर्स्टली नेहा वेलकम टू IWM बस। मैं पहले ये जानना चाहूंगी, विशाल पे जो भी इल्जाम लगे हैं या उस पे जो भी उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? मैंने आपके कई सारे रिएक्शंस वीडियो देखे हैं, लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं हर कोई, हर एक इंसान, क्या कहना चाहेंगे? जो दे रहा है ठीक है, जी आई डोंट थिंक सो वो लायक है किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के भी। सबसे पहली बात, एक इंसान तभी कोई चीज सामने वाले को बोल सकता है जब वो अपने पे अप्लाई कर पाए। ठीक है, अगर घर के अंदर सब विशाल को ऐसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे तो डजेंट मैटर, वो आगे दिखेगा। तो ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे किसी छोटी चीज के लिए, इतनी छोटी चीज के लिए, एक पहले पहले पायल जी आके ये सब बोल के गई, उसके बाद उस पे कुछ उनको पूरा वो उनके अगेंस्ट चला गया तो उन्होंने दूसरा क्लिप ला दिया। मतलब आई डोंट थिंक सो इट वॉज रॉन्ग और समथिंग। वो मस्ती मजाक था दो लड़कों के बीच में, जी एंड ना उनको नहीं पता, क्या मेरे भाई को नहीं पता वहां कैमरे हैं, पर उसको ये नहीं पता कि उस पे वो टारगेट हो जाएगा, जी कि उस पे इतना ज्यादा पॉइंट कर दिया जाएगा कि वो इतना एकदम वो ब्रेक हो जाएगा। एंड ही इज अ 25 ईयर बॉय। जो लोग बोलते रहते हैं ही इज अ बदतमीज, यार बच्चे इन लोगों को बदतमीज, इनको बड़े से बात करने की, क्यों आप लोग बड़े थे तो आप लोग उसको ये कंसोल नहीं कर सकते थे, छोड़ बेटा तूने जो बोला होगा आइंदा ध्यान रखना। रणवीर उस पे बार बार ये कह रहे हैं कि तूने गिल्टी वर्ड क्यों यूज किया। वो एक गिल्टी वर्ड को लेकर बैठ गया है। वो कहते हैं कि तू जानता है तेरे मन में क्या था उस समय। वो फोर्सफुली कह रहे हैं कि तू एक्सेप्ट कर जो भी तूने बोला है और आगे बढ़। आई टेल यू, विशाल को बाहर का सिचुएशन नहीं पता, और वो इतना डर गया था अचानक कि ये मुद्दा आ गया कि वो लिटरली एकदम शॉक में था। मतलब हम देख सकते थे वो पूरा शॉक में था। यस तो आप एक लड़के से ये आप एकदम उसको प्रेशराइज करोगे, यार किसी को आप प्रेशर करोगे ना इतने इसमें, एक तो वो मर्डर भी कर देता है, प्रेशर में ही होता है ना चीजें। तो यहाँ पे तो इससे खाली माफी मंगवा रहे हैं, उससे माफी मंगवा, मेरे भाई ने स्पोर्टिंगली माफी मांगी है, जबकि वो चलो उसने बोल दिया वो गलत नहीं था, उसने मस्ती में बोला आई नो माई ब्रदर, उसने वो चीज बहुत एकदम बोलते ना एक फनी वे, दो दोस्त बैठे रहते हैं, हम लड़कियां ही बैठी रहती हैं, हम किसी के बारे में बीचिंग करते हैं या कुछ भी करती हैं, तो भैया हम एकदम कैरेक्टर, मतलब हम एकदम हमारा कैरेक्टर पे आ जाएगा वो चीज जस्ट बिकॉज वो कैमरे पे है। हमने वैसे तो तो कई वीडियोस ये भी देखे हैं जो अरमान भी बाकी घर की कंटेस्टेंट को कमेंट करते हुए नजर आए या तारीफ करते हुए नजर आए हैं। कई बार वो नहीं, कॉम्प्लीमेंट भी करते हुए नजर भी आए अरमान बाकी कंटेस्टेंट या फीमेल कंटेस्टेंट को। क्या I'm वो sorry, भी गलत है फिर? उसे अरमान जी के मुंह से बस एक जन की तारीफ निकल सकती है, वो खुद की, वो अपनी कृतिका को भी बोलते हैं ऐसे बात करती है पगली, ऐसे मैं नहीं सुनता। अरे ये भी तो आप नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हो जिसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो ये इतना बड़ा मुद्दा था। और मैं आपको एक चीज फैक्ट बताती हूँ, कितना भी बड़ा मुद्दा रहने दो, मेरा भाई अगर उनको एक गलत वे से कोई चीज बोल देता या कुछ भी बोल देता कि उस समय यार विशाल ने ये सच्ची गलत कर दिया है, तो अरमान को स्टैंड लेना चाहिए था अपनी वाइफ के लिए कि बिग बॉस ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये उतार रहा हूँ माइक, आपको विशाल को नॉमिनेट, नॉमिनेट नहीं मैं बोलती हूँ घर से बाहर ही निकालना पड़े, आपको वो स्टैंड था। और पता है आपको एक चीज बोलती हूँ, आप किसी के लिए स्टैंड जब ले रहे हो ना, अगर मेरे भाई के लिए अगर किसी ने ये, मैंने जो एपिसोड खाली एक क्लिप आई थी मैं पागल हो गई थी, ट्रस्ट में मैं पागल हो गई थी, मेरी हालत नहीं थी, मतलब फिर भी मैंने एक वीडियो क्लिप बना के डाला क्योंकि ये गलत था, बहुत गलत था। तो आप स्टैंड लेते ना अपनी वाइफ के लिए अच्छी वे से, क्योंकि आप एक अच्छे शो में गए, फैमिली देखती है, और ये बहुत कैलकुलेटेड था थप्पड़ मारना, बिकॉज जब गुस्सा आता है मेरी बीवी को ऐसे कर दिया तो सीधा उठ के थप्पड़ मार लगती है, ये नहीं मैं चाय पी के आता हूँ फिर मारता हूँ, इट वॉज अ सोची समझी चीज की भाई उसको था ग्रजिस विशाल से,
ठीक है, और उसने कर लिया। अरमान ने मारा उन्हें थप्पड़, वो उससे पहले वो गाली गलौज कर रहे थे, उनका इंटेंशन बहुत क्लियर था कि वो अंदर जाएंगे विशाल को थप्पड़ मारेंगे। दूसरी बात ये भी है वो बाकी घर वालों को भी प्रोवोक करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, विशाल के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? वो डे वन से हो रहा है, पर आप बिग बॉस फॉलो करते होंगे ना, आपने देखा होगा वो चीज डे वन से हो रहा है। और मैं ये क्लियर एंड आउट बोल सकती हूँ, वो कटारिया को भी टारगेट करता, बट ही नोज एल्विश वेरी वेल कि कहीं आदमी है जो सपोर्ट करेगी और उनकी ही बैंड बच जाएगी। इसलिए ट्रू, उसने सोचा यार विशाल वीक पॉइंट है, इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर है, वो ऐसे ऊपर आ गया है, क्या है इसका पॉइंट, ये बट था कहना अरमान भी कि एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर ही आए हैं, वो भी अपने लाइफ में एज ए इन्फ्लुएंसर आप ही नहीं बढ़े। समझ, इन्फ्लुएंसर एक स्ट्रगल, एक वीडियो बना बना के ऊपर आना, व्यूज लेना किसी पब्लिक से, वो डिफरेंट, और कंट्रोवर्सी करके ऊपर आ जाना भैया, तो बहुत बड़ी, वो बहुत अलग सीन है। ठीक है, कंट्रोवर्सी करके ऊपर आया होता है तो फिर भी मैं ये इंटरव्यू मैं नहीं देती हूँ मेरे भाई के साइड से, क्योंकि आई नो ट्रू, यार कंट्रोवर्सी तो होती रहती है इसकी, क्यों मैं क्या ही पब्लिक में बोलूँ। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मेरे भाई ने सोचा मैं अपने लिए कुछ करूंगा और मुझे कुछ करके दिखाना है, तो वो उसने स्टेप लिया। पर आई एम सो ग्लैड कि मेरा भाई इतना समझदार है, ये एकदम आदमी की तरह नहीं है कि वो कुछ भी एकदम मतलब किसी को मार दे या ये, क्यों मेरा भाई नहीं मार सकता था? अगर वो एक लाफा मारा, एक लाफा और मारता, दो लाफा खाता ना मेरा भाई ज्यादा से ज्यादा, हाँ पर मारता जरूर। पर यू नो व्हाट, हमने वो चीज सिखाई नहीं है। आप अभी भी देखोगे ना, अगर आपने आज का भी टेलीकास्ट देखा होगा तो विशाल को आज भी पॉइंट करें, एंड चंद्रिका, चंद्रिका ने सवाल उठाया है, शिवानी ने भी बोला, और शिवानी ने तो आई थिंक कल अरमान के साथ भी बोला कि क्या भरोसा वो मेरे पे हाथ भी रख दे कभी, क्या कर ना। शिवानी जिस तरह से पलट रही है, कभी वो विशाल के सामने काफी अच्छी बहन बनने की कोशिश करी है, वही अरमान के साइड भी वो नजर आते हुए दरख। ये घर में कौन नहीं पलटता। विशाल ने अपने अपने दोस्त को भाई बोला, एंड टाइम पे जिसको साथ देना था वो पलट गया। पर यस, ठीक है, वो उसका गेम प्लान होगा, वो भी तो बच्चा ही है ना, वो भी इतना अभी अभी मतलब वो उन्होंने अपना यूट्यूब चलाया, उनके साथ भी बहुत सारी चीजें बाहर हुई है, गैंग जैसे बनती थी पहले, जैसा हमने सुनी थी वो सब हुई है, उसको थोड़ा है कि हाँ भैया मुझे कहाँ सेफ साइड खेलना और कहाँ नहीं खेलना। तो यार वो बच्चे का गेम प्लान है, उसको नहीं दिखानी दोस्ती, तो इट्स ऑल राइट। मैं उसको कैसे गलत बोल दू, मैं उसको गलत ही नहीं बोल सकती क्योंकि वो अपना दिखा रहा है। अब ये विशाल के ऊपर है कि उसकी दोस्ती में वो एकदम अंधा रहना चाहता है या उसकी दोस्ती में वो आंख खुला रख के खेलना चाहता है, दैट्स इट। वरना तो यार ये टॉपिक ही नहीं था, चलो मतलब चाहिए था चैनल को कुछ, तो एनीवेज उनको मिल गया। निशा न्यूज़ फिल्म की बायसनेस हुआ है शो में, ये केस को स्पेशल केस कहा गया है, ये जो वायलेंस हुआ है इसको एक स्पेशल केस बोल दिया गया है। जब तीनों ही कंटेस्टेंट कन्फेशन रूम में आते हैं तभी उनके माइंड में फिट कर दिया कि वो स्पेशल केस है, और वो तीनों को वो वर्ड को पकड़ लिया तीनों ने, और उन्होंने सेफेस्ट साइड चुना और उन्होंने बोला कि चलो इसको स्पेशल केस बोला जाए। आप यू मुझे फाइंड बता, ये थोड़ा आप स्टार्टिंग से ही स्पेशल बायस बोल दिया गया, स्पेशल केस बोल के बायसनेस किया है। वहीं से तो सब गलत हुआ ना, तब तक तो हम, उसने हाथ उठाया कुछ कुछ भी क्या, तो बिग बॉस ने नॉमिनेट भी क्यों किया, घर ट्रू, वालों को छोड़ देते ना। अगर उन्होंने इतना बड़ा चीज घर वालों पे छोड़ दिया है, जबकि घर पे तो पता है ना ग्रुप बनी रहती है, जी और यहाँ पे तो विशाल आई थिंक अकेला ही है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई भी है मेरे भाई का सपोर्ट में। एंड सच बोलू, अच्छी बात है कि नहीं भी है, पता है वो जितना अकेला रहेगा उतना स्ट्रांग बन के बाहर फेस, ये अंदर वो 10 जन को फेस करेगा अकेला, पर बाहर काम करेगा वो बहुत लोगों को अकेला फेस करेगा, तो उसको स्ट्रांग रहना है एनीवेज लाइफ में, ये इट्स अ लेसन कि उसको स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा। जी आई डोंट थिंक सो ये मतलब राइट था, और ये तो मतलब घर वालों के भी दिमाग में डाल दिया गया कि स्पेशल केस है भैया, और विशाल ने ये चीज की है, बहुत बड़ी बात है। अनिल कपूर जी ने भी आके ये चीज बोल दी कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि आप करेक्ट तो करो ना चीजें,
सैटरडे को ऐसा लगा था कि क्या अनिल जी विशाल को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा आपको भी लगा या आपको भी फील हुआ वो चीज? फील तो बहुत हुआ कि चलो पायल ने आके जो एलिगेशन विशाल पे लगाया, जब पायल अपने वीडियो में रो रही थी तो उन्होंने बोला मैंने अपने परिवार के लिए क्वेश्चन ही तो पूछा है, इट वाज नॉट अ क्वेश्चन, क्या क्लियरली एलिगेशन था। आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप यार कोई भी डर जाएगा ना, ऐसा क्या किया मैंने कि बाहर ऐसा क्या किया, कोई भी डर जाएगा। तो इट वॉज अ एलिगेशन, और चलो पायल ने जो किया वो किया, ठीक है चलो उसको बड़ा सा एक मुद्दा बनाना था, मुद्दा बना दिया, पर उसके बाद इट इज उसके बाद तो एक क्लियरिटी देते, नहीं नहीं ये वर्ड्स ऐसे नहीं थे, एक क्लियरिटी दे सकते थे कि वो बच्चा अपने भी स्टैंड ले पाता, पर नहीं किया। तो सी इट्स अ गेम आई नो, बट कुछ भी हो जाए अंदर, कुछ भी हो जाए अंदर, किसी ने किसी को अब्यूज कर दिया गंदी वे से, लड़के ने लड़की को कुछ बोल दिया, कुछ भी हो जाए, पर हाथ उठा लेना और एकदम प्लानिंग के साथ, एकदम प्लानिंग के साथ आ रहे हो आप, बात कर रहे हो वो बंदे से, आप बात कर रहे हो ना, आप ऐसा भी नहीं कि झगड़े में सब चढ़ रहे थे एक दूसरे पे फिर लगी ये चीजें, नहीं इट वॉज ऑल प्लान। एंड मुझे पता है यार, अरमान अरमान इज द स्मार्टेस्ट, लोमड़ी का दिमाग होता है ना वो है, वो है वो इंसान। निशा, मैं ये भी जानना चाहूंगी, कृतिका ने बोला कि अगर बिग बॉस या अनिल कपूर जी ने एक मौका दे तो वो विशाल को थप्पड़ मारना चाहेंगे। तो सॉरी सॉरी विशाल ने कृतिका के सामने भी विशाल ने कई बार उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया है और बोला भी है कि आप मुझे बिना मेकअप के अच्छे दिखते हो, आप मुझे अच्छे लगते हो। पर अभी करेंटली जब ये सब हुआ उसके बाद कृतिका बोल रही है कि उन्हें मौका दिया जाए विशाल को एक थप्पड़ मारने का गाल पे। ये कब हुआ? ये कल वीकेंड के बाद के दौरान हुआ जब वो अनिल कपूर जी के लिए वेट कर रहे थे आने के लिए। सी उनको तो मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक लड़की को बहुत क्लियर इंटेंशन समझ में आता है, आप भी लड़की है मैं भी लड़की हूँ और देश में बहुत लड़कियां हैं, अगर हमें पता चल जाता है ना कि हमारे ग्रुप में अरे ये लड़का बहुत चीपड़ है यार, इज अ जी चीप, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हम एक डिस्टेंस बना लेते हैं। जी और विशाल ने बोला भाभी आप बिना मेकअप में सुंदर लगते हो, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट यार, अगर लड़का आपको पसंद कर रहा है और आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, यस क्या गलत है? निशा, सबने एक वर्ड लेकर बैठ गए हैं, गिल्टी गिल्ट 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 गिल्ट। और इवन अविशान ने भी बोला कि आप सबने ये वर्ड का मुद्दा बना दिया है। यू करेक्ट, थिंक कि बिग बॉस ने भी ये गिल्ट का वर्ड लेकर प्ले किया है? हाँ हाँ करेक्ट। गिल्ट, चलो एक होता है ना कि यार मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ सुंदर किसी वाइफ के लिए कि वो सुंदर लगता है, तो वो बुरा लगता है ना कि मैं किसी के लिए ऐसा बोल भी रहा हूँ और कैमरे हैं, तो या वो गेम में विशाल बोल सकता था गिल्टी, कि वो गिल्टी है कि यार, और उसके मुंह से निकल गया, फ्रेंकली स्पीकिंग उसके मुंह से निकल गया, साफ साफ दिख रहा है, हम्म, फिर भी उसने क्लियर किया, आई स्वेयर अच्छा हुआ उसने वो गिल्टी बोल के वहां रुका नहीं, वरना पता नहीं क्या मतलब निकाल लेते, आई स्वेयर क्या मतलब निकाल लेते, सुंदर है मैं, उन्होंने इतना मतलब निकाल लिया, तो भाई फिर तो मेरा भाई बेचारा पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया होता, पर गिल्टी है पर भाई सुंदर लगती है भाभी, इन गुड वे, इन गुड वे, इन गुड वे, हाँ भाई ये किसी को नहीं दिखा, यस मतलब आपने स्टार्टिंग का वो देख लिया पर एंड आपने क्लाइमेक्स मूवी का नहीं देखा, ऐसा पॉसिबल होता है? और वो प्ले करके दिखाया भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो सी टारगेटिंग समवन इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है, ये एक ऐसा शो ही है कि यहाँ पे एक ना दो टारगेट होते ही है यार, जी बट वो गलत चीजों पे टारगेट करना इट्स वेरी रॉन्ग, और फिर उस पे हाथ उठाना उससे भी ज्यादा गलत हो जाता है, जी उससे अगर आप ये चीज बाहर होते ना तो 1-2 होता, 1-1 होता ये चीज, 1-1 होता ये चीज, जी वो तो धमकी भी दे रहे कि बाहर मिलो। कौन अरमान वो विशाल को कह भी रहे तो बाहर मिल। अच्छा है, अगर वो बोल रहे हैं ऐसा बाहर मिल तो प्लीज वो बाहर आके देखे कि विशाल ना लवारिस नहीं है,
उसके आगे पीछे लोग हैं, और विशाल ऐसे के लोग हैं फेस को लेकर वो कमेंट करते हैं, विशाल के हरकतों को लेकर वो कमेंट करते हैं, परवरिश पे सवाल उठाते हैं, और काफी कुछ बोला है विशाल के कि बारे में। क्या कहना चाहेंगे? आई टेल यू, जो जिससे जलन करता है ना, एक एक जेलेसी रखता है ना, उसके बारे में 24 घंटा सोचता रहता है, ठीक है? और वो बोलते हैं कि इसकी परवरिश, भैया फिर आपकी परवरिश क्या है? अगर घर में कोई बोल दे, अगर विशाल के मुंह पे ये बोल दे कि तेरी परवरिश क्या है, मेरा भाई ये भी नहीं बोलेगा कि तुम्हारी परवरिश क्या है, कि तुम दो दो वाइफ लेके इतनी हिम्मत, चलो आपने क्रिएटर तो बने बने बिग बॉस में भी आ गए, तो आपकी परवरिश पे किसी ने उंगली उठाई? क्या आप उसकी उंगली उठा रहे? वो तो यार, वो तो अभी 30 भी नहीं हुआ है। वो एक होता है ना, समझ धीरे धीरे आती है बिल्कुल कि क्या गलत क्या सही, तो वो अभी 30 भी नहीं हुआ है। आपने तो कर ही डाला है जो आपको करना था, बहुत कुछ, तो आप परवरिश, पता है ऐसे इंसान एक बार रणवीर जी परवरिश पे बात करे ना, तो वो रिस्पेक्ट, मेरे भाई को उन्होंने भी टारगेट किया है, जी। पर आई डोंट नो कि वो, मुझे ऐसा लगता है ना, ही इज अ मैन जो यार अगर किसी को बुरा बोल रहा है ना, तो वो पीछे से नहीं मुंह पे बोलेंगे, जी। ठीक है? रणवीर जी इज अ मैन जो वैसा करेंगे, पर उनका भी कान भरा जा रहा है, एज यू कैन सी। यस रणवीर, आज ही परवरिश की बात की इन लोग ने, तो आई वॉज लाइक यार आपकी परवरिश क्या है? इससे तो आपको आपको देश से ही निकाल देना चाहिए। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। अगर ऐसा है, परवरिश पे लोगों के बात आ रही है, तो आई डोंट नो कि मतलब ये, मतलब एक गलत इंसान ही बोल रहा है ये चीज, तो दैट्स इट। और वो सबको पता है। निशा, वी हैव टाइम क्रंच, सो लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, हाउ योर पेरेंट्स नाउ कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स, बिकॉज हमने जो वीडियो देखा है, एवरीवन इज गेटिंग इमोशनल फ्रॉम योर फैमिली साइड आल्सो। क्या कहना चाहेंगे? हाउ योर पेरेंट्स इज नाउ रिएक्टिंग नाउ? नहीं, अगर हमें पता है वो रो धो के सिंपैथी और ये सब लेके करना रहता ना सब चीजें, जैसे कि पायल जी का आपने वीडियो देखा होगा, जैसे हमें वैसा करना रहता, तो यार फिर तो बहुत कुछ कर लेते जी भी। बट हम, मेरी मॉम डैड का वो वीडियो जो आया, वो हम बहुत नॉर्मल शूट कर रहे थे, वो उनकी हालत उतनी ही डाउन थी, ठीक है? उतनी ही डाउन थी कि वो कंट्रोल नहीं हुआ उनसे इमोशन। या बट आई होप कि जितना हम स्ट्रगल देख रहे हैं, अच्छा, प्लीज डोंट क्राई, यू यू नीड टू बी अ स्ट्रॉन्ग नाउ फॉर विशाल, बिकॉज ऑल विशालियंस आर सपोर्टिंग हिम, इवन यू नीड टू सपोर्ट हिम स्ट्रॉन्गली, प्लीज डोंट क्राई। पर मतलब आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई टेल यू आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सीइंग माय पेरेंट्स लाइक दिस एंड माय ब्रदर, वी आर हेल्पलेस राइट नाउ। बट आई होप ये टफ टाइम एक गुड टाइम में कन्वर्ट हो। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। बट यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर योर पेरेंट्स, बिकॉज मुझे विशाल ने बोला था कि उसकी बहन भाई है, वो संभाल लेगी अगर कुछ भी होगा, एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ यू, सो मेक योर पेरेंट्स ऑल्सो प्राउड नाउ। आई विल श्योर। थैंक यू सो मच।